Dear students, welcome in the lecture on fulvalent complexes. Okay, तो बच्चों आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम fulvalent complexes के बारे में डिस्कस करेंगे. और ये fulvalent ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि मेटल्स के साथ पाई बॉन्डिंग बनाते हैं करते हैं. जैसे आपने और कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़े, आपने पढ़े एल्कीन्स, एल्काइन्स, एलाइल्स, आपने पढ़े डाइन्स, उसी तरीके से फुलवेलिन है जो कि पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं और ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फुलवेलिन्स हैं वो इन जनरल उनका इंट्रोडक्शन क्या है. तो अगर हम फुलवेलिन को देखेंगे तो ये क्या है एक्चुअली, दीज आर बाईसाइक्लोपेंटाडाइनाइलिडीन. ठीक है, इनका नाम है बाईसाइक्लोपेंटाडाइनाइलिडीन. इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो है C10H8. ये नॉन बेंजेनॉइड कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन है. बेंजेनॉइड नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, पर इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है, और ये जो फुलवेलिन है ये बहुत अनस्टेबल आइसोमर है. किसका आइसोमर है? नेफ्थलीन का, एजुलीन का. एजुलीन और नेफ्थलीन जो कि बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका अनस्टेबल आइसोमर कौन है? फुलवेलिन. ठीक है, इसमें आप देखेंगे दो फाइव मेंबर्ड रिंग होती है. देखिए ये फुलवेलिन है और इस फुलवेलिन में आप देखेंगे दो फाइव मेंबर्ड रिंग है और ये दो फाइव मेंबर्ड रिंग में दो डबल बॉन्ड एक रिंग में है और दो डबल बॉन्ड एक रिंग में है. और इन दोनों रिंग्स को किसने जोड़ा है? डबल बॉन्ड ने, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो इसको जोड़ता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फुलवेलिन है उसका पेरेंट कौन है? फुलविन. फुलविन जहां पर CH2 एक्सोसाइक्लिकली जुड़ा हुआ है और इसमें दूसरी जो पांच मेंबर्ड रिंग है वो यहां पर नहीं है. ये फुलवेलिन है जहां पर आपको नंबर रिंग शो की गई है. तो ये एक अनस्टेबल पॉलीमर है, आइसोमर है. किसका? नेफ्थलीन एंड एजुलीन का. अगर हम डिफरेंट फुलवेलिन्स को देखें तो कई तरीके की फुलवेलिन्स हो सकती हैं. जैसे ये जो मेन फुलवेलिन हमने कही जिसे हम फुलवेलिन कहते हैं उसका नाम क्या है? पेंटा फुलवेलिन. ये क्या है? पेंट फुलवेलिन. पेंटा फुलवेलिन है, वही फुलवेलिन है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पर देखिए दो थ्री मेंबर्ड रिंग्स हैं. तो जब दो थ्री मेंबर्ड रिंग एक डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो ये ट्राइ फुलवेलिन है और ये बहुत ही अनस्टेबल है और ये सिंथेसाइज भी नहीं किया जा सकता है, पर इसके बारे में सोचा जा सकता है. अब अगर आप इसको देखेंगे ट्राइ पेंटा फुलवेलिन, देखिए ट्राइ पेंटा फुलवेलिन मतलब कैलीसीन भी कहते हैं और कैलीसीन का मतलब है वाइन ग्लास शेप इसका होता है. देखिए वाइन ग्लास शेप इसका है, इसमें एक रिंग फाइव कार्बन रिंग है और दूसरी थ्री कार्बन रिंग है और ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है. फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनके एरोमेटिक डेरिवेटिव भी हो सकते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक जिसको हम इसको भी हम फुलवेलिन कहते हैं और ये किससे सिंथेसाइज किया है? देखिए पेंटा फुलवेलिन से सिंथेसाइज किया, उसके एन्यूलेशन से उसकी एक रिंग को दूसरी रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है और दूसरा ट्रोपाइलियम कैटायन और इस पर क्या आ गया? एरोमेटिक प्रॉपर्टी आ गई. तो इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं सेस्की फुलवेलिन. ये सेस्की फुलवेलिन है. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की आपने फुलवेलिन्स देखी और ये फुलवेलिन्स जो हैं अगर हम उनका सिंथेसिस देखेंगे तो आप देखेंगे जो सिंथेसिस है वो कैसे संभव हो पाया. जनरली जो फुलवेलिन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? ओलिगोसाइक्लोपेंटाडाइनाइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग आपको दिखाई देंगी. तो दो की वजह से इसको ओलिगोसाइक्लोपेंटाडाइनाइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं. और जनरली दो तरीके के फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और एक पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. और जो इनको जो सिंथेसाइज करना संभव हो पाया वो हो पाया बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रोफुलवेलिन. अब डाइहाइड्रोफुलवेलिन क्या है? डाइहाइड्रोफुलवेलिन है
कि जो दो हमने फाइव मेंबर्ड रिंग्स देखी, अगर वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो उसको हम कहेंगे डाइहाइड्रोफुलवेलिन। तो ये प्रिकर्सर है और ये स्टेबल और प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो इससे हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, होमो डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फुलवेलिन्स, और होमो डाइन्यूक्लियर फुलवेलिन से हम हेट्रो न्यूक्लियर फुलवेलिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये जो फुलवेलिन्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे आर वेरी स्टेबल देन देयर साइक्लोपेंटाडाइनाइड एनालॉग्स। तो जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत स्टेबल, और आप देखेंगे कि वेरियस रिएक्शंस वो शो करते हैं, तो ऑर्गेनोमेटलिक में उनका काफी इंपॉर्टेंस है। तो वन बाई वन हम देखेंगे कि कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं जो फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसमें हम पहले जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। होमोडाइन्यूक्लियर मीन्स कि यहां पर दो न्यूक्लियाई होंगे फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स में और वो एक से होंगे, यानी दोनों कोबाल्ट हैं, दोनों रुदिनियम है, दोनों मॉलिब्डेनम है, दोनों टंगस्टन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हम जो बात कर रहे हैं होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ये देखिए डाइहाइड्रोफुलवेलिन है, डाइहाइड्रोफुलवेलिन जब कार्बोनल से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन। ये FV का मतलब फुलवेलिन है, CO2 CO4। रुदिनियम का कार्बोनिल है वो जब डाइहाइड्रोफुलवेलिन से रिएक्शन करेगा तो फुलवेलिन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऐसे ही मॉलिब्डेनम बनाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो टंगस्टन का प्रोपियो नाइट्राइल जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोफुलवेलिन से डाइहाइड्रोफुलवेलिन से, और वो क्या बना देगा, क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रोमियम भी बनाएगा, मॉलिब्डेनम भी बनाएगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि होमो डाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो डाइहाइड्रोफुलवेलिन है वो देखिए एक मेटल सेंटर इस रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा मेटल सेंटर इस रिंग से जुड़ा है, दोनों मेटल्स के बीच में एक बॉन्ड है। और ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है, जहां पर आपने देखा FVMCO6 टाइप, देखिए ये है CO2 CO6। ये दूसरा टाइप जो आप देखेंगे M2CO4 टाइप। तो इस तरीके से आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, जो दूसरा जो मैंने मॉलिक्यूल आपसे कहा जो फुलवेलिन का कॉम्प्लेक्स है वहां पर FV यानी फुलवेलिन M2CO4 टाइप। तो जहां पर MRUNCO है और यहां पर MCRMOW है। मॉलिब्डेनम एंड जो टंगस्टन के जो होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हाइली बेसिक फॉस्फेन्स के साथ, मतलब जहां पर एमी ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो फॉस्फिन है ये भी पॉसिबल है, जो बेसिक जो फॉस्फीन होती है, ये फॉस्फीन या ये फॉस्फीन, इनमें से कोई भी फॉस्फीन हो सकती है। तो ये फॉस्फीन क्या करती है कि इसको डिसप्रोपोर्शनेट कर देती। देखिए MM बॉन्ड जो है वो टूट गया है, और यहां पर आप देखेंगे जो दोनों मेटल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन पर होते हैं। तो हाईली बेसिक फॉस्फीन की प्रेजेंस में ये जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है, और एक मेटल सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जनरली होता क्या है कि जो फुलवेलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं जहां पर ये आयनिक फॉर्म में है, लेकिन ये जो आयनिक फॉर्म है ये क्या होती है, कह सकते हैं आप ये इसके साथ रेजोनेंस में रहती है दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, या फिर आप कह सकते हैं ये इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन स्टेबल जो है वो ये वाली फॉर्म है। और यहां पर आप देखेंगे ये ईटा 5 की तरह एक्ट करता है और ये रिंग भी ईटा 5 की तरह एक्ट करती है। फुलवेलिन जो है वो ईटा 5 टाइप है, यहां पर जो फुलवेलिन है वो आप देखेंगे ईटा 4 ईटा 6 टाइप है, लेकिन ये दोनों ही कैसी स्पीसीज है, दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और दोनों के ही केस में आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। यहां पर आप देखेंगे मॉलिब्डेनम जो स्पीसीज है टोटल, ये कैसी स्पीसीज है, हर एक मेटल सेंटर 18 इलेक्ट्रॉन सेंटर है।
मॉलिब्डेनम इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है वो है प्लस की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन ये ईटा देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स 18। यहाँ पर आप देखिए मॉलिब्डेनम में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 8 इलेक्ट्रॉन देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, तो टोटल कितनी स्पीसीज हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्टेबल फॉर्म से है जो कि एक दूसरे के साथ क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो फॉर्म आती है जिसमें कि चार्ज है, ये चार्ज स्पीसीज कैसे आती है इसकी हम थोड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। हमने देखिए एक रिएक्शन देखी थी, मैं एक बार आपको फिर दिखाऊं, हमने ये रिएक्शन देखी थी जहां पर हमने देखा था कि जो फुलफिलिंग कॉम्प्लेक्स है वो जो बेसिक फॉस्फिन्स होता है उनके साथ रिएक्शन करके ऐसी चार्ज स्पीसीज देती है। तो ये किस तरीके से देती होगी, देखिए ये है फुलवेलिन, ये फुलवेलिन इस एल से रिएक्ट करेगा जहां पर एल हमने क्या लिया था, PME3, या तो ये PME3 था और या फिर ये एक दूसरी स्पीसीज थी जिसको हम DMPM कहते हैं, ठीक है। तो ये LPME3 है, तो पहले जब ये रिएक्ट करेगा तो ये इस MM बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये MM बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक मॉलिब्डेनम के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा एल, और दूसरे स्पीसीज पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि देखिए बेसिक है, ये बेसिक है तो ये क्या कर देगा, एक स्पीसीज को प्लस कर देगा और दूसरी स्पीसीज को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो स्पीसीज है यहां पर इस सीओ को रिप्लेस करेगा ये एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक सीओ को ये रिप्लेस करेगा एल, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए MOCO2L2, और ये हमें स्पीसीज मिल गई, जो स्पीसीज हम कह रहे थे कि ये स्पीसीज हमें मिलती है जब PME3 की रिएक्शन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है एक्चुअली, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बन रही है, कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये स्पीसीज जनरेट हो रही है। इस फुलवेलिन जो आयनिक फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो नेगेटिव स्पीसीज होगी वो यहां पर अटैक करेगी और जो पॉजिटिव स्पीसीज होगी वो यहां पर अटैक करेगी, तो इसलिए इस पर दोनों अटैक पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो जब ये MEI से रिएक्ट करता है तो देखिए MEI जो है वो कहां पर बाइंड हो जाएगा, यहां पर बाइंड हो जाएगा जहां पर नेगेटिव चार्ज था, देखेंगे यहां पर ये चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ये चार्ज हट जाएगा क्योंकि एम यहां पर जुड़ गया है। ओके, अब ये क्या हो सकता है कि ये रिड्यूस भी हो सकता है, और यहां पर आप देखेंगे इसको अगर हम AlH4 की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करेंगे तो सीओ जो है एक सीओ एमई में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सीओ एमई में कन्वर्ट होगा, यहां पर एक सीओ एमई में कन्वर्ट होगा और ये स्पीसीज हमें मिलेगी। तो ये फायदा है क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है, तो इनके चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी इसमें हो सकता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कई तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, नए नए जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है दे कैन बी सिंथेसाइज्ड। ये जो स्पीसीज हमें PME3 से रिएक्ट करने के बाद मिली थी, देखिए ये स्पीसीज थी, और इस स्पीसीज की रिएक्शन अगर फर्दर हम PME3 से कराना चाहें तो ये PME3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो यहां ऐड नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो यहां पर अटैक नहीं करेगी, और ये जो PME3 है फर्दर इस MO पर अटैक नहीं करेगी क्योंकि पहले से ही यहां पर स्टेरिक फैक्टर है, बल्कि ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है। तो अब इस कि जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं PME3 से एक्सिस में तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाता है, और ये टूट के क्या बनाएगा, ये देखिए ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये क्या बना देगा, MOCO3 PME3, तो एक पार्ट तो ये बन जाएगा और दूसरा पार्ट ये पूरा होगा, और यहां पर आप देखेंगे ये पार्ट जो होगा वो ये हमारे पास आ जाएगा, फुलवेलिन का एक अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल गया है, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो
फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स था वो पहले तो PME3 से रिएक्ट करके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना रहा था, लेकिन फर्दर ये PME3 से रिएक्ट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा, इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद जो दो मेटल सेंटर है उनको इसने अलग अलग कर दिया। अब इनमें से ये जो प्रोडक्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसको आप देखेंगे कि ये फर्दर यूज होगा अदर सिंथेसिस में। ओके, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं जब PME3 एक्सेस में लिया जाता है इस ज्यूटेराइन के साथ। ये ज्यूटेराइन कहलाता है एक्चुअली, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ मिलते हैं हमें। तो आप देखिए ज्यूटेराइन था, ये ज्यूटेराइन क्या होता है कि इस फुलवेलिन, अब देखिए यहां पर तो डाइहाइड्रो फुलवेलिन की फॉर्म में था, लेकिन यहां पर फुलवेलिन की फॉर्म में ये आ गया है, जहां पर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से ये दोनों रिंग्स जुड़ी हैं। तो अब आप देखिए कि यहां पर चार्ज गायब हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं और ये इस तरीके का हमें चार्ज सेपरेशन जो हुआ था वो नहीं है। फिर जब ये PME3 से रिएक्ट करेगा तो PME3 क्या होगा, यहां पर एक मॉलिब्डेनम के साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। और जब ये बाइंड हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि दो स्पीसीज फर्दर रिएक्ट करेंगी 2 PME3 की, और वो कहां बाइंड हो जाएंगी, यहां पर बाइंड होंगी, और आप देखेंगे कि ये पूरा जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा। देखिए ये पार्ट अलग हो जाएगा, और जब ये पार्ट अलग हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट हमारे पास, देखिए ये फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब ये रिएक्ट करेगा PME3 के साथ तो इस तरीके से रिएक्शन करके ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जहां पर आप देखेंगे कि ये एक MO इस रिंग के साथ अटैच है फुलवेलिन के साथ, और दूसरा MO जो है वो PME3 और CO के साथ अटैच हो जाता है। डिस्कस दी फोटो एंड थर्मल रिएक्शंस ऑफ दीज फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स है, अगेन मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, तो ये जो एल्काइंस होती हैं उनके साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट दे कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे जो कि एल्काइन कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर आप देखेंगे बिस एल्काइन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर दो एल्काइन जुड़ी हैं, बिस एल्काइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एल्काइन कॉम्प्लेक्स, और ये जो है वो एल्काइन कॉम्प्लेक्स है। तो एल्काइन कॉम्प्लेक्स जनरली कब बनते हैं, जब R होता है H हो सकता है, जब R क्या हो सकता है, H हो सकता है, या CO2ME हो सकता है। तो उस केस में आप देखेंगे कि एक एल्काइन ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों मॉलिब्डेनम के बीच में, तो इस तरीके से ये जुड़ा रहता है। यहां पर आप देखिए यहां पर जो R है H नहीं है, यहां पर R या तो PH है या फिर CO2ME है। तो ये बिस एल्काइन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जहां पर आप देखेंगे कि एक एल्काइन ग्रुप केवल एक मॉलिब्डेनम ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरा एल्काइन ग्रुप दोनों मॉलिब्डेनम ग्रुप से जुड़ा है। तो ये जो एल्काइन है ये ETA2 तरीके से जुड़ा है, और ये जो एल्काइन है ETA4 फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है। तो ये मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है जो कि इस तरीके से एड होता है। अगर हम टंगस्टन के केस को देखें, यहां पर अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन देखें, तो यहां पर आप देखेंगे जो ये डाइफिनाइल एल्काइन है, जो इथाइन है, ये कैसे अटैच होता है, यहां पर आप देखिए कि ये भी एक जो इथाइन एल्काइन ग्रुप है वो जुड़ सकता है या दो एल्काइन ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक एल्काइन ग्रुप ये है जहां पर आप देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो फॉर्म है वो बिल्कुल किसकी तरह है, जैसा मॉलिब्डेनम का फॉर्म था जहां पर बिस एल्काइन की तरह ये जुड़ रहा था। तो ये दोनों फॉर्म तो एक सी है, बट ये फॉर्म डिफरेंट है मॉलिब्डेनम की। यहां पर ये ETA4 की तरह एक्ट कर रहा है जो एल्काइन ग्रुप है, और यहां पर ये ETA2 की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं जो होमोडाइन्यूक्लियर जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तीसरे तरीके की जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ये देखिए ये एक फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स है, इन प्रेजेंस ऑफ NaHg ये आप देखेंगे डाई एनायन बनाता है,
सोडियम का डाई एनायन बना सकते हैं या हम लिथियम का डाई एनायन बना सकते हैं। और ये जो डाई एनायन है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसमें दोनों एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये एक हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको अगर हम हीट करेंगे तो वापस हमें फुल वेलिन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसमें से कि अगर H2 रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और डाई एल्काइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो डाई एनायन बनता है एक्चुअली जो NaHg से रिएक्ट करके जो डाई एनायन बना है, ये डाई एनायन आप देखेंगे ये RX से रिएक्ट कर सकता है, ये एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है। और अगर ये RX से रिएक्ट करेगा तो यहां पर H की जगह पर R ग्रुप जुड़ जाएगा, इसलिए ये डाई एल्काइल कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस डाई एल्काइल कॉम्प्लेक्स एल्काइल कॉम्प्लेक्स है इन प्रेजेंस ऑफ सोलर सिस्टम, अगेन ये क्या करेगा, ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना देगा, CH4 बना देगा, अगर R क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये डाई एल्काइल ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, डाईहाइड्राइड ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखी किसकी, ये प्रॉपर्टीज आपने देखी जो होमोडाई न्यूक्लियर जो फुल वेलिन कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी प्रॉपर्टीज थी। देखेंगे कि जो हमारे न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर हम हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे तो देखिए ये हमें एक पार्ट मिला था जब हमने जो होमोडाई न्यूक्लियर जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स थे उनकी रिएक्शन PME3 से करी थी, तो हमें क्या मिला था, ये स्पीसीज हमें एक मिली थी। और ये स्पीसीज मैंने आपसे कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि सिंथेसाइज करने के काम आ रही है हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन। लेट्स सी, आप फिर से उस जगह पर आ जाइए जहां पर हमने ये जो फॉर्म बनाई थी, देखिए ये है वो फॉर्म, ये जब हमने PME3 से रिएक्शन की थी तो हमें ये एक पार्ट मिला था और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट हेट्रोडाई न्यूक्लियर जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको सिंथेसाइज करने के काम आता है। ये NaHg की प्रेजेंस में देखिए ये मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है और ये FeCO4Br के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन बना रहा है। देखिए एक सेंटर आयरन है और दूसरा सेंटर मॉलिब्डेनम है। ऐसे ही ये CP का मतलब है कि H को हमने रिप्लेस किया है मिथाइल ग्रुप से साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, और ये जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है, ये जब NaHg की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो देखिए एक सेंटर जिरकोनियम है, दूसरा सेंटर मॉलिब्डेनम है। तो इस तरीके से ये फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स है जहां पर दो अलग अलग तरीके के सेंटर है, इसलिए ये क्या है, होमोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा आप देखेंगे अगर मैं रुदीनियम के कॉम्प्लेक्स की बात करूं जहां पर ये जो बनेगा PME3 होल से, तो आप देखेंगे कि ये NaHg की प्रेजेंस में जब FeCO5 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देखिए बॉन्ड यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इस तरीके का जहां पर एक आयरन सेंटर होगा एक रुदीनियम सेंटर होगा इस तरीके का हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे ही आप देखिए ये मेटलोसिन हमने लिया है, मेटलोसिन टाइटेनियम की मेटलोसिन है और जब ये रिएक्ट करेगी तो एक सेंटर आर्यु होगा एक टाइटेनियम होगा, इस तरीके से आप देखेंगे कि हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो रुदीनियम की सीरीज के डिफरेंट तरीके से बनेंगे और जो टंगस्टन का जो मॉलिब्डेनम का जो सीरीज है उसके जो हेट्रोडाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस तरीके से बनेंगे, अलग अलग तरीके से बनेंगे। आपने देखा कि हम जो हेट्रोडाई न्यूक्लियर स्पीसीज है उनको हम होमोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो इसके लिए जो दूसरा मेथड आप देखेंगे वो डायरेक्ट सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, जहां पर पहले हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल का सोडियम सॉल्ट बनाएंगे और हम इसकी रिएक्शन करेंगे 3-एल्कोक्सी साइक्लोपेंटाडाइनोन से और ये दोनों रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, माइकल एडिशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और उसके बाद ये इस तरीके का इनोलेट बनाएगा। और इस इनोलेट की रिएक्शन जब CH3I से और एक मेटल कॉम्प्लेक्स से करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स देखिए यहां पर जुड़ गया और ये एक आपने देखा कि यहां पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है अभी। अब ये कीटोनिक ग्रुप को हमने रिड्यूस करना है तो LiAlH4 का यूज करेंगे और हमें ये स्पीसीज मिलेगी, ठीक है, जिसमें एक मेटल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, मेटल सेंटर है, ये क्या हो सकता है, इट मे बी मॉलिब्डेनम
और इट में भी टंगस्टन, ये मॉलिब्डेनम हो सकता है या ये टंगस्टन हो सकता है। फर्दर आप देखिए ये स्पीसीज है, फिर से आप देखिए ये जो स्पीसीज है देखिए जिसमें MCO3ME है एक रिंग में जुड़ा हुआ, ये हमने ले लिया और यहां पर आप देखिए एक रिंग में WCO3ME जुड़ा हुआ, ये प्रोडक्ट ये था हमारे पास रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट की डिफरेंट कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराएंगे दूसरे मेटल कार्बोनिल के साथ, तो अगर आप दूसरे मेटल कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिफरेंट टाइप के हेट्रोडाइन्यूक्लियर फुलवेलेंट कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस होंगे। रिएक्शन आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्शन हमने किससे करी, या तो हमने VCO4 से की या हमने CO2 से की, ठीक है CO2 से नहीं करी सॉरी, हमने या तो CO2CO8 से इसकी रिएक्शन करी या हमने VCO6 से करी। तो देखिए किस तरीके का हमें कॉम्प्लेक्स मिला, हमें कॉम्प्लेक्स मिला जहां पर आप देखेंगे कि एक रिंग के साथ VCO4 जुड़ेगा अगर हम VCO6 लेंगे, या फिर CO2CO2 जुड़ेगा जब हम CO2CO8 लेंगे, और दूसरी रिंग में देखिए क्या है WCO3ME। तो आप देखेंगे दो मेटल सेंटर है, एक W है और एक क्या है वेनेडियम या कोबाल्ट है। दूसरी रिएक्शन आप देखिए, दूसरी रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है FeCO5 या CrCO3MeCN होल थ्राइस, तो हम जो है वो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने ये रिएक्शन की है तो आप देखेंगे हमें इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिलेगा जहां पर मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड भी होगा। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है बट यहां पर होगा, जहां पर आप देखेंगे कि एक साइड तो ये WCO3ME था, देखिए ये तो था, दूसरा सेंटर इसके साथ आयरन FeCO5 का CO2 जुड़ गया, अगर CR क्रोमियम होगा तो CrCO3 जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे हम यहां पर रुदीनियम का भी कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं Ru3CO12, तो इस तरीके से ये क्या बनाएगा RuCO2। तो इस तरीके से हम एक तरीके के हेट्रोडाइन्यूक्लियर स्पीसीज हम ऐसे बना सकते हैं, और इस स्पीसीज की जब रिएक्शन हमने RHCO2Cl2 से करी तो देखिए अगेन हमें दो सेंटर मिले हैं, दो सेंटर मिला है, एक हमें मिला है रोडियम और एक हमें मिला है टंगस्टन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये डाई न्यूक्लियर स्पीसीज, देखिए एक सेंटर हमें टंगस्टन मिला, एक सेंटर हमें आयरन मिला है। तो इस तरीके से हमने हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और कुछ हमने ऐसा नहीं किया है, हमने क्या किया है कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है एक्चुअली है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल से स्टार्ट हुई, तो हमें एक ये इस तरीके का हमें कॉम्प्लेक्स मिला, इस कॉम्प्लेक्स की हमने रिएक्शन करानी है डिफरेंट कार्बोनिल से, तो हमें फुलवेलेंस मिल जाएंगे, उनके मेटल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जो कि हेट्रोडाइन्यूक्लियर स्पीसीज होगी। ओके, फिर हम देखेंगे कि जो हेट्रोडाइन्यूक्लियर जो स्पीसीज हैं वो किस तरीके से रिएक्शन शो करती हैं। तो जैसे हमने होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलेंस की रिएक्शंस देखी थी, ऐसे ही हम हेट्रोडाइन्यूक्लियर फुलवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन देखेंगे। डाइन्यूक्लियर फुलवेलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो ये एल्काइन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ आप देखेंगे कि जब हम HNU की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे एल्काइन्स के साथ, डाइफिनाइल इथाइन के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये देखिए एक मॉलिब्डेनम की साइड से ये जुड़ेगा, जो इथाइन जो हमने जो मॉलिक्यूल लिया है वो मॉलिब्डेनम की साइड से जुड़ता है, और फिर इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो मॉलिब्डेनम क्या करेगा ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर जब इसकी हम CO से रिएक्शन करेंगे इस कॉम्प्लेक्स की, तो आप देखेंगे कि ये जो एल्काइन है वो फिर से हट जाएगा और फिर से हमें वो पहला कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हमें वापस वही प्रोडक्ट मिल सकता है अगर हम एल्काइन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीडेशन करें, और ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बोनिल से अगेन रिएक्ट करें, तो फिर ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, और ये बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने एल्काइन्स की रिएक्शन देखी थी होमोडाइन्यूक्लियर जो स्पीसीज देखी थी, जहां पर हमें जो एल्काइन्स थे वो क्या होते हैं परमानेंटली जुड़ जाते हैं और वो बिस एल्काइन और मोनो एल्काइन टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे तरीके की जो रिएक्शन हम यहां पर देखेंगे फोटोकेमिकल या थर्मल रिएक्शन हम यहां पर देखेंगे, और यहां पर जो फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो होमो
डाई न्यूक्लियर फुल वेलिन कॉम्प्लेक्सेस की थी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। देखिए ये एक अपने कॉम्प्लेक्स लिया है हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुल वेलिन कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसमें एच न्यू की प्रेजेंस में अगर इसको रख दें तो इसमें से एक कार्बोनिल रिलीज होगी, ये कार्बोनिल हट जाएगी, दोनों मेटल सेंटर है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक कार्बोनिल ब्रिजिंग आ गई दोनों सेंटर्स के बीच में। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो थर्मली जब इसको हम हीट करेंगे तो आप देखेंगे जो मिथाइल है ये माइग्रेट हो जाएगा इधर रोडियम में, तो माइग्रेट हो जाएगा और माइग्रेट होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कार्बोनिल है वो इधर चली गई और जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहां पर इसमें होगा माइग्रेटरी इंसर्शन, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। माइग्रेटरी इंसर्शन आप देख सकते हैं, देखिए मिथाइल और आरएच के बीच में देखिए कार्बोनिल आ जाएगा तो COMe ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस देते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप जो है वो देखिए डब्ल्यू के साथ अटैच था टंगस्टन के साथ, और वो कहां शिफ्ट हो गया, रोडियम के साथ शिफ्ट हो गया। तो ये इसकी थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन और दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ये शो करता है। तो ये देखिए ये एक हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुल वेलिन मेटल कॉम्प्लेक्स है, और जब एक ऐसी स्पीसीज हमने ली है आयरन की जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, दे सकती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, और एक यहां पर आप देख रहे हैं कि ये माइनस चार्ज है और यहां पर रेडिकल का फॉर्मेशन। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड होके क्या बनाएंगे, देखिए डाइमर बना दिया, और इस डाइमर में आप देखिए दो टंगस्टन के ऊपर नेगेटिव ग्रुप हैं। फिर जब ये एमईआई से रिएक्ट करता है तो एक एमई यहां जुड़ जाएगा, एक एमई यहां जुड़ जाएगा, और एक डाइमर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुल वेलेंस शो करते हैं। तो इसको आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है फुल वेलिन लिगेंड, जिसमें कि बहुत अधिक रिएक्शंस हैं, जिसमें से शॉर्ट हमने करके इसमें से कुछ रिएक्शंस को हमने शो करने की कोशिश की है, कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिया है। तो लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर, अब हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने देखा कि जो फुलवेलिन है बहुत ही अच्छा एक लिगेंड है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और ये फुलवेलिन क्या है, ये फुलवेलिन है, ये देखिए कितने तरीके की होती है, जहां पर आप देखेंगे कि दो कार्बन, जहां पर पांच कार्बन वाले जो जो रिंग्स हैं वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं, कई तरीके की फुलवेलिंस होती हैं, और ये दो तरीके के हम उस अगर हम इनके कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तो दो तरीके के पढ़ेंगे, होमोडाई न्यूक्लियर एंड हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिंस, ठीक है, हेट्रोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिंस। और जो होमोडाई न्यूक्लियर फुलवेलिंस होती है वो डाईहाइड्रो फुलवेलिंस से सिंथेसाइज की जाती, और जो डाई न्यूक्लियर जो फुलवेलिन होमो होती है उनसे हम कई बार हेट्रो डाई न्यूक्लियर स्पीसीज को सिंथेसाइज करते हैं। आप देख सकते हैं मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा आपको होमो डाई न्यूक्लियर स्पीसीज में जनरली, और हेट्रो डाई न्यूक्लियर में आपको एमएम बॉन्ड मिल सकता है या नहीं भी उसमें हो सकता है। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी और उनकी हमने सिंथेसिस का मेथड देखा, कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमने देखा कि जो ये एक स्पीसीज है जो कि ड्यूटर आयन है वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो कर सकता है। फिर आपने देखा कि ये फोटो एंड थर्मल एक्टिविटी शो करता है, और किसके साथ, एल्काइन के साथ जुड़ के एल्काइन एंड बिस एल्काइन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम के जो फुलवेलिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि ये डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एल्काइल डाइअल्काइल कॉम्प्लेक्सेस का भी फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम हेट्रोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं हम, कहां से, जो हमारे पास होमोडाइन्यूक्लियर फुलवेलिन थे वहां से जो एक हमें प्रोडक्ट मिला था PME3 के रिएक्शन से, उसके थ्रू हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा डायरेक्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के थ्रू हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय देयर रिएक्शन विद द मेटल
कार्बोनल्स, तो दो वहां पर हम देखेंगे कि दो मेटल सेंटर्स होंगे। और यहां पर आपने देखा तीन तरीके की रिएक्शन हमने यहां पर भी देखी, एक एल्काइन के साथ हमने देखी जो HNO की प्रेजेंस में होती है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि हमें पुनः वो प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट रिडक्टेंट मिलेगा जिससे हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी। दूसरा आपने देखा यहां पर थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पर आपने मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग आपने देखी। और तीसरे तरीके की रिएक्शन हमने स्पेशली देखी, जो कि हमने होमोडाइन्यूक्लियर फुल वेलिन में नहीं देखी, वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस ये शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ फुल वेलिन्स। थैंक यू वेरी मच।